हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे चैप्टर्स जो हैं 7th के 12 के बाद के सारे लेसन्स कम्प्लीट करा दिए। तो अगर आपने हमारे चैनल पे ये चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक करें या डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर कमेंट बॉक्स चेक करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे चैप्टरों की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 12। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स का ए, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड डैश प्रोपगेशन। जो प्रोडक्शन होता है न्यू इंडिविजुअल का वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स जैसे स्टेम से, लीव से, रूट से, उसको वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं प्लांट का। ठीक है, तो न्यू इंडिविजुअल वेजिटेटिव पार्ट से अगर प्रोड्यूस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ए फ्लावर मे हैव द एदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सच अ फ्लावर इज कॉल्ड डैश फ्लावर। एक फ्लावर के पास जो है मेल है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दोनों में से एक है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड इन इज़ नॉन एज। यहाँ पर बोला है कि जो पोलिन ग्रेन, जो फ्लावर होता है उसमें दो होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कि एक फ्लावर में एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो मेल जो पार्ट होता है उसे हम एंथर बोलते हैं, जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम फिलामेंट बोलते हैं हम मेल पार्ट को, और स्टिग्मा बोलते हैं फीमेल पार्ट को। ठीक है, तो जो एंथर होता है उसके पास जो छोटे छोटे से ग्रेन होते हैं जिनको पोलिन ग्रेन बोलते हैं, और वो किसके पास जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाता है। हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर मेल और फीमेल जो पोलिन ग्रेन है वो क्या हो रहा है, सेम फ्लावर के पास जा रहा है। जो पोलिन ग्रेन है फीमेल के, सेम फ्लावर के मेल से आ रहा है, तो इस तरीके के पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, इस तरीके के पॉलिनेशन को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, यहाँ पॉलिनेशन लिखा है बट आप सेल्फ पॉलिनेशन कर लेना। नेक्स्ट है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज टर्म एज डैश। जब मेल और फीमेल गेमेट आपस में फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय द मीन्स ऑफ विंड, वाटर एंड एयर। जो सीड है, चाहे हम पोलन ग्रेन कह लेते हैं या फिर सीड है, वो अपने आप तो नहीं जाएगा ना, तो एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू चला जाएगा, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू और एनिमल के थ्रू। हवा से चला जाएगा, बारिश होगी तो चला जाएगा, ठीक है, किसी एनिमल के विंग्स में फंस के चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव एग्जांपल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेरेंट सेल की जरूरत है, उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब उसको हमें एग्जांपल के साथ कुछ मेथड को डिस्क्राइब करना है, तो हम फर्स्ट मेथड ले लेते हैं बाइनरी फिजन। इन दिस प्रोसेस प्लांट सेल इलोंगेटेड एंड गेट डिवाइडेड इंटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, ईच डॉटर सेल ग्रो इंटू एन इंडिपेंडेंट एडल्ट। देखो क्या होता है इसमें, इस प्रोसेस में जो पेरेंट सेल होता है, फॉर एग्जाम्पल हम पेरेंट सेल ले लेते हैं अमीबा। ठीक है, ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस है। ये पेरेंट सेल क्या करता है, डिवाइड हो जाता है, मीन्स ये अमीबा जो है इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और इसका ये जो न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड हो जाएगा। अभी डिवाइड होना शुरू हुआ और नेक्स्ट में क्या होगा, ये दो अलग अलग, ये दोनों में अलग अलग न्यूक्लियस चला जाएगा और ये टू जो है इंडिविजुअल नया जो है अमीबा बन जाएगा। तो यहाँ पे ये पेरेंट सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी डॉटर सेल क्या होती है, बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं हम बाइनरी फीजन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इन दिस मेथड द स्पोर वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड ए बैक्टीरिया सेल टू फॉर्म एन एंडोस्पोर। एक बैक्टीरिया सेल होता है, उसके चारों तरफ एक स्पोर फॉर्म हो जाता है छोटे छोटे, और वो स्पोर क्या होते हैं, जब अपने आप नीचे गिरेंगे तो फिर वो नए बैक्टीरियाज बन जाएंगे, तो उसे बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन, मतलब स्पोर के थ्रू न्यू इंडिविजुअल का बनना। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होती है, इन दिस प्रोसेस बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइज्म ब्रेक अप इनटू टू
पार्ट्स, जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, उसके बॉडी पार्ट टूट जाते हैं, ठीक है। देन ईच पार्ट ग्रो इनटू ए न्यू फिलामेंट, और जो पार्ट टूटते हैं वो एक न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं, ठीक है, टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, दो नए ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं एक सिंगल से। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, प्लैटीहेलमिंथिस कुछ इस तरीके से होता है। अब ये प्लैटीहेलमिंथिस क्या होता है, बीच में से अलग अलग हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से दो प्लैटीहेलम ये बीच में से अलग हो गया, बट जो ये अलग हुए हैं ना, ये प्लैटीहेलमिंथिस फुल एक न्यू इंडिविजुअल जो है बना लेता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर आर टीनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड बाय ए थिक वॉल। क्या होता है, ये ब्रेड पे ऑलमोस्ट होता है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, ठीक है, एक ये वॉल होती है, ये वॉल क्या करती है, इस स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कई बार अनफेवरेबल कंडीशन आती है और ये वॉल क्या होती है, टूट जाती है। अब ये वॉल टूटी, ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन आई तो हार्ड कवर जो हो गई वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, और ये जो स्पोर्स थे वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब कहीं 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 गिर गए, तो जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ पर न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आप इसको इजीली देख सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा बडिंग। बडिंग क्या होता है, इन ईस्ट न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द बड। न्यू ऑर्गेनिज्म किसके थ्रू बने, बड के थ्रू, ये ईस्ट में, ठीक है, वैसे ये हाइड्रा में भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आफ्टर ग्रोइंग ऑफ फुल साइज बड गेट डिटेच एंड फॉर्म ए न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। देखो इसको इस तरीके से समझो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पर आपको ईस्ट दिया है तो ईस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ये ईस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईस्ट के ऊपर जैसे बर्ड होती है ना, जैसे कलियाँ होती हैं, ऐसे बर्ड निकलती है। अब ये बर्ड क्या होती है, इसकी बॉडी पर, जो ये ईस्ट है इसकी बॉडी पर ही ग्रोथ करेगी, और जब पूरी डेवलप हो जाएगी तो यहाँ से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी और नया इंडिविजुअल बना लेगी, इसे बोलते हैं बडिंग। तो ये तो ईस्ट का था, इसी तरीके से अमीबा उसमें होता है हाइड्रा में, ठीक है। हाइड्रा कुछ इस तरीके से होता है, हाइड्रा के ऊपर एक छोटी सी बड निकलती है, फिर ये हाइड्रा के ऊपर ही ये बड क्या होती है, पूरी डेवलप होती है, मतलब पूरा हाइड्रा बन गया, उसके बाद क्या होता है, इस हाइड्रा से ये हाइड्रा क्या होता है, अलग हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बडिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, व्हेन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स एंड रूट एक्सेट्रा गिव राइज द न्यू वंस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि नया प्लांट जो प्लांट के स्टेम से, लीव से, रूट से डेवलप हो, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसमें से आप जो मर्जी दो तीन पॉइंट्स आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके टीचर्स ने जितने, मतलब आप मोस्टली, मतलब आप अगर छः के छः पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा जब आएगा, तो या वेरी शॉर्ट में, तो स्पेशली आपको कोई पॉइंट आ जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को आप एक्सप्लेन करो, बडिंग को एक्सप्लेन करो, तो ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये डायग्राम भी थोड़े से बता देती हूँ। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, आप देख रहे हो पोटैटोज में, आपने घर में देखा होगा ना, इस तरीके से छोटी छोटी इसमें आईज निकल जाती हैं, ठीक है, थीके? और ये आईज डेवलप हो, और ये यहाँ से अगर कट करके हम ज़मीन में लगा देंगे ना इसको, तो ये क्या होगा, बहुत सारे पोटैटोज तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपकी सब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर ये देखो बॉल होती है ठीक सी, उसके बाद किसी फेवरेबल कंडीशन से ये बॉल अगर टूट गई तो ये जो स्पोर्स, ये सारे क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं और नया स्पोर्स तैयार हो जाता है। ये ईस्ट का, जो कि मैंने आपको बताया था ईस्ट में, ठीक है। तो ईस्ट में कैसे था कि ईस्ट के ऊपर ही क्या होता है, ऐसे बड डेवलप होती है और वो डेवलप होने के बाद में अलग हो जाती है। यहाँ पर फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, फर्मेंटेशन स्पायरोगायरा का बताया हुआ है। स्पायरोगायरा क्या होता है, जैसे काई होती है ना जिसको बोलते हैं वो, तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे बीच में से ये टूट जाता है और टूटने के बाद ये अलग स्पायरोगायरा बन जाएगा और ये अलग स्पायरोगायरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ डायग्राम्स दिखा दिए मैंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बैक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप एक्सप्लेन करो, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हो। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स
मतलब जिसमें सीड इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक्चुअली हमारा जो लेसन है वो प्लांट के ऊपर है, प्लांट में रिप्रोडक्शन है, इसलिए हमें सिर्फ इसमें प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इट रिक्वायर्स टू पेरेंट्स, इसमें टू पेरेंट्स की रिक्वायर होती है। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ फ्लावर, मतलब ऑलमोस्ट प्लांट जो है फ्लावर के थ्रू सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ए फ्लावर इज टू रिप्रोड्यूस एंड देयरफॉर डेवलप न्यू सीड देन कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो फ्लावर होता है उसमें रिप्रोडक्शन होता है, मैंने आपको बताया, तो उसमें मेल और फीमेल पार्ट होता है। उसके बाद जब रिप्रोडक्शन होता है तो न्यू सीड्स बनती है, और न्यू सीड्स से क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन द असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको डिफरेंस बताने हैं किसमें, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फर्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बताया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ मेल और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल में अक्कर इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट मीन्स इस प्लांट के पास सिर्फ एक ही सेक्स होता है, मीन्स या तो मेल पार्ट होता है या तो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, बाइसेक्सुअल, मीन्स एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट में इसके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है अक्कर इन लोअर प्लांट, ये ऑलमोस्ट किस्म होता है जो छोटी कैटेगरी के प्लांट होते हैं, और ये क्या होता है, अक्कर इन हायर प्लांट। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट प्रेजेंट, जब इनको रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं, और इसमें फुल्ली डेवलप होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इन मोस्ट ऑफ द मेथड ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट्स डिसअपियर, मतलब जब नया इंडिविजुअल बनता है ऑलमोस्ट जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसअपियर होते हैं, और इसमें ओरिजिनल पेरेंट्स जो होते हैं अलाइव होते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस लाइक द गेमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन नॉट सीन, इसमें गेमेट फॉर्मेशन भी नहीं होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है, है ना। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ द गेमेट गिव राइज टू द जाइगोट, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है गेमेट का तो क्या बनता है, जाइगोट। गेमेट मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, वो जब आपस में फ्यूज हुए तो फर्टिलाइजेशन, और फ्यूज होने के बाद जो प्रोड्यूस होता है उसे क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली वन पेरेंट इज इनहेरिटेड, जब एक ही पेरेंट है इसमें तो कैरेक्टर किसके आगे जाएंगे, एक ही पेरेंट्स के जाएंगे ना, और यहाँ पे कैरेक्टर क्या होंगे, बोथ पेरेंट के इनहेरिटेंस, मतलब दोनों पेरेंट्स के उनके बेबी में कैरेक्टर आएंगे। नो नीड ऑफ सीड, सीड की जरूरत नहीं होती है, और इसमें न्यू प्लांट को ग्रो होने के लिए सीड की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, आपने फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम बनाना है। तो मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है फ्लावर में, स्टैमेन। तो ये स्टैमेन का डायग्राम है आपने बनाना है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा होता है इसको एंथर बोलते हैं, और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इसी तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आपने इसको गुड़हल का जो पौधा होता है, फूल होता है ना, और या फिर चाइना रोज को बोलते हैं, उसको आप उसमें आप क्लियरली देख सकते हो। मैंने क्लास 6 की प्लेलिस्ट में इसका पूरा आपको बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हो उसमें कि कहाँ एंथर होता है, कहाँ फिलामेंट होता है, ठीक है, और कहाँ पर इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सारा कुछ समझाया हुआ, आप उसको चेक कर सकते हो क्लास 6 के प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये फीमेल, बीच में फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, मैं फ्लावर में मैंने ये सारा बताया, आप उसको ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो ये इस पार्ट में अगर हम यहाँ बीच में से इसको काट के देखेंगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पर इसके ओव्यूल दिखाई देंगे। अब इसमें क्या होता है, जो इसके ऊपर स्पोर्स होते हैं ना, ये स्पोर्स जो है यहाँ आते हैं और उसके बाद यहाँ अंदर जाते हैं, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और फिर सीड प्रोड्यूस होता है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को आपने एक्सप्लेन करना है। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स एक ही प्लांट का, ठीक है, पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही जो फ्लावर है इसी का एंथर हो, इसी का स्टिग्मा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, पॉलन ग्रेन आर कैरिड टू स्टिग्मा टू अनदर फ्लावर, मीन्स एक पौधा तो यहाँ था और एक पौधा यहाँ था, तो इसका एंथर इसके स्टिग्मा के पास आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है अक्कर इन बायसेक्सुअल प्लांट,
सेल्फ पॉलिनेशन है तो बायसेक्शुअल प्लांट में ही होगा, जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही हो, ठीक है। और अक्कर इन बायसेक्शुअल प्लांट, इसमें भी बायसेक्शुअल, सॉरी अक्कर इन बायसेक्शुअल फ्लावर, ठीक है, हैविंग जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों ही मैच्योरिंग हो अलग अलग डिफरेंस टाइम में। नेक्स्ट है, इट टेक प्लेस इन द प्लांट लाइक वीट पीस, ये किस में, वीट और पीस प्लांट में पाए जाते हैं। और ये किस में होता है क्रॉस पॉलिनेशन, लाइक लेडी फिंगर, टोमेटो और ब्रिंजल। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसका डायग्राम भी बुक से बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्लावर, फ्लावर में आपको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बतानी है। तो व्हेन पोलन ग्रेन रिच इन द स्टिग्मा ऑफ ए सेम स्पीसीज फ्लावर, जब क्या होता है पोलन ग्रेन जो है पहुंचता है किसके पास, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के पास, ग्रोइंग आउट इन टू द पोलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा। तो पोलन ट्यूब की स्टिग्मा के पास, अगर स्टिग्मा के पोलन ट्यूब के पास पहुँचा तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर स्टाइल के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, ओव्यूल में पहुंच जाता है, ठीक है। और ये मेल जो सेल होता है वहां पर ओव्यूल के पास पहुंच कर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और क्या होता है, ये जो फीमेल एग है उसके साथ मेल का जो ओव्यूल है वो साथ में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और क्या फॉर्म्ड करते हैं, जाइगोट फॉर्म्ड करते हैं। जब जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद इसमें फ्रूट और सीड क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, इस डायग्राम में क्या है, देखो फर्स्ट तो क्या होता है, यहाँ पर जब पोलन ग्रेन आया मेल पार्ट से, पोलन ग्रेन कहाँ आया, यहाँ पर आया, ठीक है। और ये होती है स्टाइल, ठीक है। तो ये जो बीच में, ये बीच में ना, ये यहाँ पर पोलन ग्रेन आया और फिर कहाँ जाता है, बीच वाले पार्ट में आ जाता है जहाँ पर एग है, ठीक है, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाता है, जायगोट, और फिर फ्रूट और क्या बनता है, जो फ्लावर और फ्रूट डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड आर डिस्पर्सन। अभी हमने सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा था, या फिर जैसे कि उसका पोलन ग्रेन गया यहाँ से दूसरे के पास, तो वो किसके थ्रू, वेरियस वे को आपको बताना है। तो वेरियस वे आपके कौन से हैं, विंड के थ्रू, हवा जब चलती है तो भी जा सकता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास, वाटर के थ्रू, बारिश हो रही है, बहता हुआ चला गया कहीं पर, ठीक है, इंसेक्ट के विंग्स में चला गया, एनिमल्स के थ्रू चला गया, बर्ड्स के थ्रू चला गया, मतलब किस, ये सारे हैं जिसके थ्रू सीड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, ठीक है। तो द सीड विच आर द लाइटर इन वेट, सीड क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं वेट में, स्मॉलर इन साइज, जो, ठीक है, वो हवा के थ्रू चले जाएंगे। सीड विच कैन फ्लोट, जो बह सकते हैं, वो पानी के थ्रू चले जाएंगे। और सीड्स कुछ कांटे जैसे होते हैं, वो एनिमल और बर्ड के स्पिन, मतलब उनके साथ जो जो स्पिन जैसे होते, कांटे जैसे होते हैं, वो एनिमल और बर्ड के थ्रू चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, वो है मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम, फर्स्ट बड, बड कहाँ होती है, ईस्ट में, हमने बडिंग पढ़ा ना। आइस, मैंने अभी अभी आपको पोटैटो बताया था, तो आइस किस में होती है, पोटैटो, जो पोटैटो होता है ना उसमें जो छोटे छोटे से मैंने आपको बताए थे वो क्या होता है, उसको बोलते हैं आइस। तो आइस किस में होते हैं, पोटैटो में, ठीक है। फर्मेंटेशन किस में होता है, स्पायरोगायरा, मैंने आपको बताया था ना, ऐसे स्पायरोगायरा था वो बीच में से कट हो जाता है, तो वो किस में होता, फर्मेंटेशन, ठीक है। विंग्स, विंग्स क्या होता है, विंग्स किस में होते हैं, मैपल में, ठीक है। उसके बाद स्पोर्स किस में होता है, ब्रेड मड में, स्पोर्स बताया था ना आपको मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को आपने टिक करना है। तो आपका क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज द, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा है, मैंने आपको अभी चैप्टर के साथ साथ सारा कुछ बताया था, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट को क्या बोलते हैं, आप बताओ इसमें से, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, रिप्रोडक्शन या सीड फॉर्मेशन। तो राइट आंसर क्या है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब मेल और फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज होते हैं उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा, मैच्योर ओवरी फॉर्म, मैच्योर ओवरी कैसे फॉर्म होती है, सीड से, स्टैमन से, पिस्टिल से या फिर फ्रूट से। तो किससे फॉर्म्ड होती है, फ्रूट से। नेक्स्ट, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट कौन सा है, रोज, ब्रेड मड, पोटैटो, जिंजर। तो कौन सा है, वो है ब्रेड मड, मैंने आपके बताया था ना, स्पोर उसमें होते हैं ब्रेड के ऊपर।
नेक्स्ट है ब्रायोफाइलम कैन रिप्रोड्यूस बाय इट। ब्रायोफाइलम क्या होती है, एक पत्थर चट्टा सा है इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इस तरीके से ना इसकी लीफ होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब आपको बताना है कि रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है, स्टेम से, लीव से, रूट से या फिर फ्लावर से। तो ये होता है लीव से। ये लीव्स जो होती है ना, इसके साइड साइड में इसमें न्यू प्लांट ऐसे छोटे छोटे ग्रो होने, डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और यहीं से जो है नया ब्रायोफाइलम प्लांट जो है बन जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर सब समझ आ गया, और चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।